नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के ग्राम मझगवा निवासी धर्मराज प्रजापति के साथ राहुल तिवारी ने नशे की हालत में भरे बाजार में की मारपीट। मझगवा बाजार में फरियादी को गाड़ी से उतारकर उससे पैसा छुड़ाने एवं उसे दौड़ा दौड़ा कर घर में घुसकर मारपीट करने की शिकायत नजदीकी थाना सोहागी में की गई है। सोहागी थाना सहित पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की गई थी। फरियादी ने कहा है कि सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला के पास फोन करने पर कोई जवाब नहीं आता है। थाना जाने पर बोला जाता है कि तुमने रीवा में शिकायत की है, तो अब वहीं से अधिकारी आएंगे तभी कार्यवाही होगी। हालात ऐसे हैं कि हफ्ते भर बीत जाने के बाद भी आज तक मौके पर पुलिस नहीं पहुँच पाई। मार की वजह से पीड़ित की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीतिक दबाव दिख रहा है। फरियादी धर्मराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवेदन के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि जल्द ही प्रशासन के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो हमें मजबूरन परिवार के साथ जहर खा के आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला एक ओर जहां अपने अच्छे कामों के लिए लोगों को दिलों में जगह बनाए हुए हैं, वहीं गरीबी फरियादी के साथ न्यायिक व्यवहार ना होने से आसपास के लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले को दबाने को लगातार प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि हफ्तों के बाद भी गरीबों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। गरीब परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरे मामले पर रीवा एसपी फरियादी के आवेदन पर स्थानीय प्रशासन पर कुछ कार्यवाही करते हैं या फिर एक बार फिर राजनीतिक दबाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। रीवा त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार।